से मानने की तरफ धमकी दी जा रही है मेरे कस्टमर के द्वारा, और मैं इसे गलत भी नहीं मानता क्योंकि उन्होंने मेरे माध्यम से मैंने कंपनी में कराया था, तो उनके गुस्से को मैं जायज मानता हूँ और ये सही है। लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने जो भी सोच कर काम किया था अच्छा ही सोच कर काम किया था, मुझे नहीं पता था कल को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। आज अगर प्रॉब्लम हो गई है तो केस हुआ केस हुआ हाईकोर्ट वगैरह वगैरह पता नहीं सर, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सब कुछ हो गया। इसकी कमेटी भी बन गई, इनके जो प्रॉपर्टी है और सेलिंग का काम चालू है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोसेस को कम से कम 5 से 6 साल हो गए, तब से इनका यही नाटक चालू है, और इसमें किसकी गलती है, हमारी या इस कंपनी को चलने के लिए जिस गवर्नमेंट ने परमिशन दिया कि चाहो तुम पूरी तरह से इस लोगों को रोको। सर मैं आपको बता दूंगा, बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी कंपनी में आप लोग गलती से भी पैसा ना डालें, कोई भी कितना भी विश्वास दे। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस कंपनी में काम करते हैं उनको अंदर की जो जानकारी होती है उनको नहीं पता होता, जो बाहर से वो सुनते हैं यहाँ वहाँ से अपने सीनियर के माध्यम से हम जैसे लोगों से, जिन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता उसके बारे में। सर आज मुझे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, मेरे घर पे मेरे कस्टमर लोग ने हमला बोल दिया और मेरे घर से सामान तक उठा के लेके चले गए, जो भी कैश था वो तो लेके ही गए, लेकिन सामान भी लेके गए, मुझे गाली वगैरह भी दी और मैं काफ़ी मुसीबत में गुजरा हूँ। इस मुसीबत में मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं सेवी से और अपने